सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ओम भद्रं कर्णे शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ननु उक्तं त्वया एव स्वप्नः जागृतकार्यम् इति तत्कथम् उत्पादः अप्रसिद्धः इति उच्यते। शृणु तत्र यथा कार्यकारणभावः अस्माभिः अभिप्रेत इति। Now, earlier you only told that the Swapna Avastha is caused by, iska karan kya hai? Jagrat Avastha. Abhi phir baad mein aap keh rahe ho ki everything is aprasiddham, utpada. Tat katham utpado aprasiddha. You said again that nothing like utpadanam. Utpadanam means origination, creation. अजह, एवरीथिंग इज अजह। जागृत अवस्था अज, स्वप्नावस्था अज, नथिंग इज बॉर्न। इससे पहले आप कहा कि वेकिंग स्टेट इज द कॉज फॉर द ड्रीम स्टेट। नाउ यू से नथिंग इज बीन बॉर्न। हाउ इट इज पॉसिबल? सो श्रुणु, नाउ लिसन टू दिस। यथा तत्र, लिसन हियर, यथा कार्यकारणभावः अस्माभिः अभिप्रेतः। नो, कार्यकारण संबंध, कॉज एंड एफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दि वेकिंग स्टेट एंड दि ड्रीम स्टेट एज वी हैव अंडरस्टूड। जैसे हमारे समझ में है, अभिप्राय जो है उसके बारे में आपको सुनना होगा। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। इसलिए आचार्य जी का भाष्य को समझने, उसको समझना है तो फिर और भी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि भाषा में और कुछ दिखते नहीं। आचार्य जी बता दिया, चले दिया, उसके फिर देन वी हैव टू स्टडी अलॉट, नहीं तो उस समय में नहीं आएगा डायरेक्टली ऑल्सो। अब हम धीरे धीरे इसका देखते हैं। हाँ, असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। असज्जागरिते दृष्ट्वा
स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। नाउ सी असत, असत माने अनरियल थिंग्स, नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स, अनरियल थिंग्स। असत वस्तु माने वस्तु का भास और भान हो रहा है, वास्तव में वस्तु नहीं है। किस अवस्था में? जागृत अवस्था में अनुभव हो रहा है, मगर वास्तव में उसका नहीं। ध्यान से सुनना, यह श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो जागृते दृष्ट्वा, कुछ वस्तु, कुछ चीजें है वस्तु, जागृत अवस्था में कुछ चीजें, कुछ चीजें माने असद वस्तु, वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। ऐसे चीजों को देख करके स्वप्ने पश्यति तन्मयः, फिर वही चीज स्वप्न में आप देखते हैं। अच्छा, तो अभी भाष्य में हम देखेंगे धीरे धीरे। असद अविद्यमानं रज्जु सर्पवद विकल्पितं वस्तु जागृते दृष्ट्वा तद्भाव भावितः तन्मयः स्वप्ने अपि जागृतवद ग्राह्यग्राहक रूपेण विकल्पयन् पश्यति। तथा असत स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन् च शब्दात् तथा जागरते अपि दृष्ट्वा स्वप्ने न पश्यति कदाचित् इत्यर्थः। तस्मात् जागृतं स्वप्नहेतुः उच्यते न तु परमार्थसद् इति कृत्वा। ओके, नाउ अब देखिए, धीरे धीरे जाएंगे। एक बार जो जाहिर सारे समझ जो है उतार नहीं सकता मैं आपके आपके कहाँ पे उतारो, बुद्धि में, मन में, ब्रेन में, या पता नहीं। आपको जहां स्टोर करना है कर लो, हमको क्या करना है। जान से सुनिए अभी। देखिए, जागृत में असद वस्तुएं हमको दिखाई पड़ते हैं, है ना। असद वस्तु जागृत में, इस पर अभी शंका मत उठाओ कि जागृत वस्तु सच है, फिर मैं फिर वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले बता दिया ना, नो सब्सटेंस एक्चुअली, याद रखो आप, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, जागृत वस्तु में भी, स्वप्न वस्तु में भी, जैसे स्वप्न पुरुष अपने आप को देख रहे हैं, बट इट इज अनसब्सटेंशियल। किससे बनी स्वप्न पुरुष, स्वप्न पुरुष, स्वप्न शरीर, कुछ 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 भी नहीं, देयर इज नो मैटर देयर। तो वेकिंग प्लेस आल्सो सेम। सो असद वस्तु जागृत में असद वस्तुएं हैं वो दिखाई पड़ती है, नंबर वन। अब देखिए, व्हाट इज हैपनिंग, रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागृते दृष्ट्वा। तो देखिए, जागृते वस्तु दृष्ट्वा, भाष्य में कहते हैं रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागृते दृष्ट्वा, सारी वस्तु रज्जु सर्पवत ही है। जो आचार्य जी भाष्य, इट इज नॉट से हैविंग सीन द वेकिंग ऑब्जेक्ट्स इन द वेकिंग प्लेन, ऐसा नहीं कहा। हैविंग सीन द इमेजिन्ड ऑब्जेक्ट्स जस्ट एज स्नेक सुपर इम्पोज्ड ऑन द रोप, सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सीन इन द वेकिंग प्लेन। देखिए, तो असली ट्रैक जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। सो रज्जु सर्पवद विकल्पितम वस्तु, सर्वम वस्तु रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु, बस फुल स्टॉप। ऑल इमेजिन्ड, लाइक ए स्नेक इमेजिन्ड ऑन द रोप, सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स आर इमेजिन्ड, विकल्पितम, विकल्प, विकल्प हेतु। सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जागरिते इन द वेकिंग प्लेन दृष्ट्वा, नाउ तन्मय, तन्मय माने तन्मयत्व, तन्मयत्व माने सी तत्मय, माने मय माने फुल ऑफ ऑल्सो, और एक बात तन्मय माने इधर हमारे चित्त जो है, इट बिकम्स फुल ऑफ दैट वस्तु। तन्मयत्व माने, हाँ भाई, आई एम गोइंग डीप इन टू इट। एक होना, तो आप ये एक होना, तन्मय होना, यह ना अलग बात है, वो तो साथ डायरेक्ट मीनिंग है। तन्मय माने क्या होता है, जिस वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ, और व्यक्ति से आप तन्मय हो जाते हैं,
आपके चित्त उसी व्यक्ति या अनुभव से पूरा भर जाता है। लिटरली योर चित्त इज फिल्ड विद दैट एक्सपीरियंस। जब कोई भी अनुभव हमारे चित्त में प्रवेश करके फिर उसको पूरा कर देते हैं, भर देता है। जब भर गया, भर दिया, उसको कहते हैं तन्मय। माने हम वैसे ही वैसे, तो दैट इज कॉल्ड इमोशनली अटैच्ड। जब जहां पे इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, व्हेन अदर मैन क्राइज यू ऑल्सो क्राई, यू बिकम वन विथ इट। उसका भाव एक ही भाव, ताल से ताल मिला। अब देखिए, हमने कहा कि जागृत, अब पंचलीन बता देता हूं, इसके विवरण बाद में देंगे। पंचलीन क्या है इसमें, हमने कहा कि जागृत अवस्था तो कारण है स्वप्नावस्था का, ठीक है। बट किस लिए कहा हम बता रहे हैं अभी। जागृत वस्तु, जागृत अवस्था में वस्तु जितने भी हैं, वस्तु कारण नहीं बनता स्वप्नावस्था का। आप जिस चीज से तन्मय हो जाते हैं, आपके जो तन्मयता है वो कारण बनता है स्वप्नावस्था का। हमने थोड़ी ये कहा कि जागृत वस्तु जागृत अवस्था कारण है स्वप्नावस्था का। इसका मतलब यही है कि वी आर नॉट टेलिंग दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वेकिंग प्लेन इज द कॉज फॉर द ड्रीम एग्जिस्टेंस। जहां जहां तन्मय हुआ उस व्यक्ति और अनुभव आपको स्वप्न में आ जाते हैं। देखिए, अब देखिए, सो रज्जु सर्पवद विकल्पितम वस्तु जागृते दृष्ट्वा तद्भाव भावितः, माने तन्मयः, तद्भाव भावितः, उसी भाव को अपनाया, माने उसी भाव को हमारे दिल में भर दिया। सो ब्यूटिफुल थी, तो हमारे दिल में भर गया, भर दिया हमने उसी अनुभव भाव से, सो तन्मय हो गए। सो जिस चीज का, जिस चीज से तन्मय हो जाते हैं, जिस चीज से, व्यक्ति से तन्मय हो गया, अनुभव से तन्मय हो गया, नाम रूप से तन्मय हो जाते हैं, इंद्रिय भोगों से जो रुचि है, टेस्ट है, जो भी है, उस पर तन्मय हो जाते हैं। इसलिए महात्मा जी ने एक कहा कि देखो, स्वप्न में आपको जो भी अनुभव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप उन चीजों से जागृत अवस्था में रहते समय तन्मय हो गया। तन्मयता क्या है, तन्मयता माने वासना। सो जो जो अनुभव हमको आते हैं स्वप्न में, इसका मतलब जागृत अवस्था में उस व्यक्ति से, उस अनुभव से हम तादात्म्य हो गया, माने वासना दृढ़ हो गई। देखिए, तो ये तो अच्छी बात है, माने इस वासना से हमको, हम तन्मय हो गए, ये वासना अंदर घुस गए, ये पता लगा हमको। कैसे पता लगा, स्वप्न अवस्था में। सो व्हाट इज द कॉज फॉर द ड्रीम स्टेट, इट इज नॉट द वेकिंग ऑफ स्टेट और वेकिंग ऑब्जेक्ट्स, इट इज द इंप्रेशंस दैट आर क्रिएटेड आफ्टर सीइंग, after seeing the waking objects, the impressions which are created and you become one with it, tanmay bhav ho gaya aapke, you become emotionally attached to it, so all those things become cause for dream plane. Now see kitna farak hai, that's the meaning. To iska matlab kya hai, जो वासना उनसे, वासना पहले बन गए तो वासना उनसे, अपने वासनाओं से सपने में भी असत पदार्थ को देखते हैं। देखिए, स्वप्ने अपि सो दृष्ट्वा तद्भाव भावितः तन्मयः, स्वप्ने अपि जागरितवत् ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन् पश्यति। स्वप्न में भी विकल्पयन, इमेजिन करके हुए, करते हुए, विकल्पयन कल्पना करते हुए, कल्पना करते हैं कहां पे, स्वप्न में भी, अपने अपि इवन इन द ड्रीम ऑल्सो।
उनको उसकी कल्पना करके ग्राह्य ग्राहक रूपेण, माने जिस जिस चीज से व्यक्ति अनुभव से हमारा तन्मयता हो गई, तन्मय हो गए हम, वही चीज स्वप्न में दिखाई देते हैं और उस चीज के साथ हम क्या संबंध रह जाता है स्वप्न में, ग्राह्य ग्राहक का, माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप वहां पर हो गया। जैसे मैं फुटबॉल से खेलना चाहता हूं, वेकिंग प्लेन में देखा फुटबॉल, तो फुटबॉल से खेलना है, फुटबॉल से तो क्या हुआ, स्वप्न में फुटबॉल क्रिएट किया। मैं आपको एक बात बता देता हूं इसमें, ये सब ठीक है, देन वील जस्ट स्टडी, डोंट गेट, बट देन सी द पावर ऑफ द सोल, पावर ऑफ सेल्फ, द पावर, पावर ऑफ सोल और सेल्फ, दैट वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट माई ओन वर्ल्ड। फंसने के लिए हो या नहीं तो मुक्ति के लिए, जो भी है, बट आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग वर्ल्ड आउटसाइड। मुझे जो जो चाहिए मैं क्रिएट कर सकता हूं। सी दैट, आप स्वप्न में रहते समय आपको यह पता नहीं लगता ये सच्चा है या ये झूठ है, ये सच है, ये सद है असत है, उसको पता नहीं लगता। आपको लगता है कि बस रसगुल्ला खा रहे, रसगुल्ला खा रहे, जिलेबी खा रहे, जिलेबी खा रहे, पराठा खा रहे, पराठा खा रहे, अनुभव तो हो रहा है ना आपको। देखिए अनुभव इज द इंपॉर्टेंट थिंग देयर, वेदर द ऑब्जेक्ट इज रियल और नॉट, एक्सपीरियंस इज सेम। हम सबको अपने जीवन में अनुभव से मतलब है, वस्तु से नहीं है, याद रखना, वस्तु से नहीं है, अनुभव से मतलब है। अब मतलब किसे, वस्तु से नहीं है, अनुभव से। हम सोचते हैं कि ऐसे अनुभव, एक अनुभव, एक तरह के अनुभव इसी वस्तु से हमको मिलता है, तो इसलिए वस्तु के पीछे पड़ जाते हैं। माने वस्तु के पीछे पड़ना माने वस्तु से उपलब्ध होने वाली जो अनुभव है उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। अब ऐसे ही वस्तु मैं यदि स्वप्न में सृष्टि करके भोग लेते हैं, कहने का मतलब है कि देखिए द पावर ऑफ सोल टू इमेजिन एनीथिंग, इमेजिनेशन में भी हद होनी चाहिए ना, नहीं, यहां पे हद कोई नहीं, लिमिटेशंस नहीं है। ऑफकोर्स दैट इज रियलाइजेशन। अब वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट कुछ है ही नहीं, एक वास्तव बाद में आएगा। वी आर कंपेयरिंग नाउ बिकॉज ओनली साधारण, आचार्य जी कहते हैं देखिए आखिर में, सो दिस ओनली लैंग्वेज वी आर यूजिंग इट बिकॉज वी आर फीलिंग देयर आर टू स्टेट, बट एक्चुअली वास्तव में आप ये जान लेना कि पहली बात है कि जागृत अवस्था में जिस चीज से तन्मयता हो जाते हैं उसी चीज का अनुभव स्वप्न में होता होना है ना, नंबर वन। और नंबर टू क्या है कि उसी को तो जागृत वस्तु का कारण नहीं बनता, मतलब वासनाएं कारण है। अच्छा, और मैं और एक बात, ये एक दृष्टिकोण आपको दे रहा हूं कि देखिए हमारी स्वेच्छा, देखो माने अभी जागृत अवस्था में भी हम कल्पना करके जी रहे हैं ना, अब जरा सोचिए सभी चीज काल्पनिक है। अब हमारे ऑटोबायोग्राफी जो है उसको बोलना, जो ज्यादा दूर से बात कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, सारी हमारे ऑटो स्वीय चरित्र, अब देखिए स्वीय चरित्र लिखते हैं, एक्चुअली एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। इसीलिए वेदांत में अनुभव को भी ठोक दिया, बोलते अनुभव भी ठीक नहीं है, क्यों, अनुभव भी एक कल्पना है, सभी अनुभव को छोड़ देते हैं।
इसलिए वेदांत में साधक को ये बताया जाता है कि देखो प्रभु, किसी भी अनुभव में फंसो मत। क्योंकि अनुभव भी एक तरह की कल्पना ही है। अब इसलिए जो परमात्म तत्व का, परमात्मा का अनुभव जो है, उसको हम कहते हैं अनुभव अनुभवकर्ता के बिना, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। अब इससे जो कोई भाषा नहीं है समझाने के लिए, परिभाषा। दैट इज वाई यहां पे फर्स्ट वन इज, तो अनरियल थिंग्स आप देखते हैं वेकिंग प्लेन में, और बिकॉज ऑफ स्ट्रांग वासनास इंप्रेशंस सेम थिंग आर सीन इन दी ड्रीम। स्वप्ने अपि जागृतवत् ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन, माने इमेजिन करते 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 हुए पश्यति, देखते हैं। आई मीन होल लाइफ इज इमेजिनेशन ओनली। आखिर में बताते हैं कुछ चीजें ऐसे है। तो फिर ये तो हैविंग सीन, अब देखिए, तथा स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धः न पश्यति अविकल्पयन्। अब देखिए, नाउ इन अनरियल थिंग्स स्वप्न में देखता है, देख के उठने के बाद फिर नहीं देखता है वेकिंग प्लेन में। सो दिस इज व्हाट, सो रिगार्डिंग दी, आप पहले ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द अपोनेंट, क्या अपोनेंट रेज किया, दैट वाज हु यू टोल्ड दैट वेकिंग प्लेन इज अ कॉज ऑफ द फॉर द ड्रीम स्टेट, एंड व्हेन ड्रीम इज अनरियल और मिथ्या, यू सेड अगेन देयरफॉर यू एक्सेप्ट दैट द वेकिंग स्टेट ऑल्सो इज मिथ्या। अब ऐसे इस तरह के आपने जो तर्क सुनाया हमको वास्तव में, बट नाउ यू आर सेइंग दैट द ड्रीम इज बॉर्न, आई मीन नाउ यू नो यू से दैट नथिंग इज बॉर्न, नाइदर ड्रीम स्टेट इज बॉर्न ना वेकिंग स्टेट इज बॉर्न। आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले क्या बताया कि वेकिंग स्टेट मिथ्या है, वेकिंग स्टेट है, इससे जो वही कारण है स्वप्न अवस्था का, और स्वप्न अवस्था वस्तुओं मिथ्या है, इसका कारण जो है वेकिंग प्लेन वो भी मिथ्या होनी चाहिए। वास्तव में ये लॉजिक हाई है ना करेक्ट, बाद में बात देखते हैं आप ऐसे बोला, तो इसके बाद में बताते हैं फिर दोनों अज है। अब दोनों अज है, दो अजों के बीच में क्या संबंध फिर रह सकता है? आप क्या बता रहे हैं हमको अभी? तो कार्य कारण संबंध हमने जैसा समझा, हमारी परिभाषा में जैसी समझनी है, समझ होना चाहिए, तो वैसे ही आप समझ लेना चाहिए कि आचार्य जी कहते हैं। तो समाधान क्या है? वास्तव में हम उत्पत्ति को नहीं मानते, ओरिजिनेशन को नहीं मानते हम। तो हमारे उत्पत्ति का तात्पर्य क्या है? तो जागृत अवस्था के अंदर, माने जो जो असत पदार्थों का हम अनुभव करते हैं, उस असत पदार्थों का तन्मयता से वासना, उनकी सृष्टि, वो वासनाएं स्वप्नावस्था का कारण बनते हैं, बनता है कारण। तो कारण उसका क्या है? तन्मयता, बस फुल स्टॉप। तो हमने ये नहीं कहा कि जागृत अवस्था ही कारण है स्वप्नावस्था का, ना 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 ना, तन्मयता। तो तब अब क्या होगा? हमने तो कहा कि जागृत पदार्थों से तन्मयता से स्वप्न सृष्टि, स्वप्न अवस्था का जो जब स्वप्न अवस्था की सृष्टि होती है, फिर असत पदार्थों को, असत पदार्थों को स्वप्न में देखते हैं। माने वास्तव में देखिए, स्वप्न में स्वप्न का वस्तु भी असत है, जागृत का वस्तु भी असत ही है। तो वही तथा असत स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च, असत वस्तुओं को स्वप्न में भी देख करके उठने के बाद, प्रतिबुद्धः जगने के बाद न पश्यति अविकल्पयन। अब जगने के बाद स्वप्न में जो आप देखा है उसी वस्तुओं को जागने के बाद आप नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या हुआ?
क्या हुआ, जागृत में तन्मयता स्वप्नावस्था का कारण बन गया और स्वप्नावस्था का अनुभव जो है फिर जागृत अवस्था का कारण नहीं बनता। क्योंकि आप ये कहेंगे कि जैसे जागृत अवस्था में हमने देखा है वैसे ही स्वप्नावस्था में भी देख सकते हैं, स्वप्नावस्था का अनुभव वासना है फिर जागृत अवस्था में देखनी पड़ती है, देखनी चाहिए उसी वस्तुओं, ऐसा नहीं होता। क्यों? स्वप्नावस्था बाधित हो जाता है, बाधित, बाध माने कंप्लीटली इनहेलेटेड। सो दट क्या होता है, दट वासनास आर नॉट स्ट्रांगली फॉर्मड विद द एक्सपीरियंसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू इन द ड्रीम स्टेट विद द ड्रीम ऑब्जेक्ट्स। माने ये है, ये एक अवस्था में जो जागृत स्थिति में वासनाओं का उत्पत्ति, वासनाओं का सृष्टि हुई। अच्छा, सृष्टि की गई कैसे? अनुभव द्वारा। अब ऐसे अनुभव दृढ़ नहीं होते हैं स्वप्न में, जागृत अवस्था में अनुभव दृढ़ है, इसे दृढ़ वासना, वासनाओं की सृष्टि हो गई। स्वप्न में इतना दृढ़ नहीं बनते, इसलिए स्वप्न अवस्था में जो दिखाई पड़े असत वस्तु ऐसा फिर स्वप्न वासना, स्वप्न वासना का धैर्य वही वस्तु जागृत में भी देखना ये नहीं होता है। सो नाउ देयरफॉर तथा असत स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन्। नो सिमिलरली अविकल्पयन, अविकल्पयन माने विदाउट इमेजिनेशन, विदाउट बीइंग नॉट इमेजिनिंग, विकल्प अविकल्पयन। सो अविकल्पयन दैट इज वन आफ्टर हैविंग सीन इन अनरियल थिंग असद वस्तु इन द ड्रीम, सेम थिंग ही डजंट सी आफ्टर वेकिंग अप। स्वप्न में आपको कुछ दिखाई पड़े, ये जरूर नहीं कि जागृत अवस्था में देखने वही वस्तु देखा है। देखिए तो इफ वासनास ऑफ वेकिंग स्टेट दे कॉज द ड्रीम स्टेट, देन वासनास क्रिएटेड इन द ड्रीम वाइल एक्सपीरियंसिंग द ड्रीम ऑब्जेक्ट्स शुड अगेन बी एक्सप्रेस्ड इन वेकिंग स्टेट। डज इट हैपन लाइक दैट? नो। व्हाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स सीन इन द ड्रीम आर नॉट सीन इन द वेकिंग स्टेट बिकॉज द वासनास ऑफ ड्रीम एक्सपीरियंसेस आर नॉट क्रिएटेड स्ट्रांगली। कभी सपने में देखने के बाद कितना अच्छा होता उस हमारे स्वप्न सच्चे हो, तो बस इतना ही आता, ज्यादा नहीं है। देयरफॉर ड्रीम स्टेट एंड ड्रीम एक्सपीरियंस सब टोटल गेट बाधित, बाध हो जाता है माने इनहेलेटेड बिकॉज नथिंग स्ट्रांग इज क्रिएटेड। तो इसी प्रकार अब देखिए अब तथा वेट स्वप्ने अपि जागृतवत् ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन् पश्यति तथा असत् स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन्। नो अभी देखिए, अभी हम तुलना करते हैं। यहां पे प्रतिबुद्ध माने यू एक्चुअली स्पीक, प्रतिबुद्ध माने क्या है? देन वॉज अवेकेंड फ्रॉम ड्रीम टू वेकिंग। अब इसको हम ज्ञानी के लिए ले लेंगे दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से प्रतिबुद्ध वन यू हैड अवेकेंड टू दैट स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। तो ये भी स्वप्नावस्था ही है ना, तो वन यू हैड अवेकेंड फ्रॉम ड्रीम प्रतिबुद्ध, प्रतिबुद्ध न पश्यति अविकल्पयन। इसका मतलब क्या है? जो ज्ञानी है, जो प्रतिबुद्ध है, प्रतिबुद्ध माने वन हुड अवेकेंड टू दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो क्या करते हैं? हम देखिए स्वप्न अवस्था में हम जब देखते हैं वही वस्तु अनुभव तुरंत बाधित हो जाते रहते हैं ना, बाधित। हर रोज का सपना अलग अलग है। अब देखिए इतने सपने देख चुके हैं, अब याद रखेंगे क्या? रखते क्या है आप? बाधित हो जा रहा है, कंडेम्ड, रिनहेलेटेड, रिमूव्ड, डिस्ट्रॉयड, डिलीटेड, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये ज्ञानी क्या करता है, प्रतिबुद्ध जागृत पदार्थों को
ध्यान से सुनना, देखता हुआ उनका बाध करता रहता है, बाध करता रहता है, ही कीप्स ऑन इनहेलेटिंग दी वॉट एवर ही इज एक्सपीरियंसिंग ऑब्जेक्ट्स इन द वेकिंग स्टेट. द नेक्स्ट मोमेंट द प्रीवियस एक्सपीरियंस इज टोटली ड्रॉप्ड. That means what? That is called living in presence, not present. There is no tension there, no tense, only presence. If you are living in presence, अब मैं आपको एक विचार देता हूं. ऐसे अब याद आया मैंने एक thought आया. Half an hour movie. ये calculation I don't know because how many frames are there per minute for a movie? There is some number is there for 1 minute movie. How many frames, you know, frame they keep rolling. So for every minute there are some thousands of frames go, and the thousands of frames rapidly move one by one, not too fast, not too slow, the speed, whatever speed is there, then we feel that movie is moving, there is something movement is there, hai ki nahi? Right, ab dekhiye, suppose half an hour movie, no two frames are same, half an hour movie, say in half an hour say 1 lakh frames, 1 lakh frames, मूवी में 1 lakh frames आ गया, हम वही 1 lakh frame चलता है एक के बाद एक विद ए पर्टिकुलर स्पीड, सो वी सी द मूवमेंट इज एन इल्यूजन क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन. यस आर नो? एक्चुअली देयर इज नो मूवमेंट, वन फ्रेम आफ्टर फ्रेम दे आर कमिंग एंड गोइंग, इज इट नॉट? अच्छा, बट देयर इज अ कंटिन्यूटी इज फेल्ट. Very carefully choosing my words. Continue, because continuity is a myth. Anyway, is felt, therefore the movement is seen. Abhi aap dekho ki 1 lakh frames of a film movie, of a reel, 1 lakh frames, which is for half an hour, but no two frames are equal. Pehla frame mein kutta, dusra frame mein dosa, whatever it is. The 1 lakh varieties of frames I collected, not only from plant kingdom, animal kingdom, anek prakar ke sab ikhatta karke usko joint kiya, right? Achha. Now the movement is same speed with the movement. Now, how do you watch it? You are watching it, but every film, every frame is going. But even though if you watch, exactly only present, in the present, each one flashed and went away. You don't know what is next to come, and you are not thinking about the frame just passed. Kaisa hai? Ab movie mein kya hai na? Same frame, similar frame is repeated, so impression is created. Impression is created because hero haath uthate hue 50 frames ting 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 aisa chala diya aapko haath uthaya. But now if the each frame is separate, each frame is separate, अब क्या करेंगे? जान से सुनिए. एक अनुभव हुआ, चला गया, दूसरा अनुभव आया, चला गया, तीसरी चला गया, चौथा चला गया, तीसरा चला गया, पांचवा चला गया.
तो एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद हम देख रहे हैं, एक फ्रेम चला गया, आने वाले फ्रेम के बारे में आपको पता नहीं, जो गया उसको भूल गया। वर्तमान में आप देख रहे हैं, तो इस समय देखते समय ही उसका नष्ट भी होते जा रहा है कि नहीं, होता जा रहा है ना। हाँ है ना, उसका प्रवेश माने स्थिति, प्रवेश स्थिति और लय साथ साथ तो नहीं है, फिर भी साथ साथ लगता है। अब ऐसा जो प्रतिबुद्ध व्यक्ति है, आदमी है, ज्ञानी है, इस तरह से देख रहा है सृष्टि को, माने एकदम प्रेजेंस में, प्रेजेंट में प्रेजेंस का अनुभव करते हुए बैठा है, आगे कुछ आया देखता है चला गया, आने वाले फ्रेम के बारे में सोचता नहीं, बीत गए वाले के बारे में सोचता नहीं। दैट मूवमेंट एंड मूवमेंट जैसे व्यवहार करना है उस मूवमेंट में वैसे ही उसके अनुसार प्रतिस्पंद, जैसे प्रतिस्पंदन करना है करता है। फिर इसके बाद में व्यवहार किया, माने इसको कहते हैं व्यवहार काल, व्यवहार काल में व्यवहार किया और आगे पीछे कुछ नहीं। ये है ज्ञानी महाराज की स्थिति, नहीं है दृढ़ वासना है, बिल्कुल वासनाएं नहीं होते वहां पर, क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं। ये है प्रतिबुद्ध न विकल्पयन, है ना, यहां पे क्या बताया, प्रतिबुद्ध न पश्यति अविकल्पयन। ये तो लागू है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से, जो जागृत किया हुआ व्यक्ति को भी प्रतिबुद्ध कह सकते हैं, और उस सामान्य व्यक्ति को भी, जैसे स्वप्नावस्था का अनुभव के बारे में जब बताते समय ये लागू है। माने प्रतिबुद्ध न विकल्पयन, माने स्वप्नावस्था में जो भी चीजें देखे हैं उसका फिर विकल्प ना करके इमेजिन करते हुए उसी चीज को हम देखना है जागृत अवस्था में, ऐसा संकल्प भी छोड़ देता है, सब छोड़ देता है उठने के बाद, है कि नहीं, तन्मयता नहीं है, तो वासना नहीं बनी ना। तो अविकल्पयन प्रतिबुद्ध न पश्यति, तो अवेकेंड पर्सन विदाउट, बिकॉज ही इज नॉट इमेजिनिंग देम अगेन, ही डजंट सी सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रीम इन द वेकिंग प्लेन। बट जागृत अवस्था में, जागृत काल में, जागृत के वस्तुओं के साथ व्यवहार करते समय क्या हुआ, तन्मयता हो गई, इसीलिए वासना बन गई। तो वासना के कारण ऐसे वस्तुओं फिर ग्राह्य ग्राहक रूपेण सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन के रूप में फिर उसी को सृष्टि करता हुआ, अनुभव भोगता हुआ, वो मरता हुआ, जीता हुआ, रोता हुआ व्यवहार करता है। कहां पे, स्वप्न में। अब प्रतिबुद्ध व्यक्ति है, जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति बढ़ेगी, धीरे धीरे ज्ञान की स्थिति बढ़ती रहेगी हम सबको, जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति बढ़ेगी वैसे वैसे उस भाद बढ़ेगा। भाद माने इमीडिएट फॉरगेटिंग द एक्सपीरियंस, व्यवहार काल के बाद उसके बारे में सोचना, बेकार में चिंतित होकर व्यवहार करना, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, उसका कम होते जाता है। अब देखिए, आपको अभी जैसे छोटे मोटे चीज आप ले लो तो आपकी ज्ञान स्थिति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इसलिए आप छोटे छोटे चीज के लिए रोते नहीं, ब्रैकेट में आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे दिया, फिर थोड़ा मेरे पास भी रखा हूं आई होप। हर छोटे मोटे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन लाइफ कुछ साल पहले, अभी छोड़ो यार। तो आपकी ज्ञान की स्थिति बढ़ गई, जैसे जैसे बढ़ गए ना, तो वासना तन्मय तत्व कम हो गए कि नहीं,
बेकार चीजों के साथ। जब तन्मयता कम हो गया, वासना कम हो गई कि नहीं, बचपन में बच्चों को खिलौने के साथ तन्मयता और इसके वजह से वासना है, और बढ़ने के बाद वासना खत्म हो गई तो तन्मयता नहीं रह जाता ना। आप क्या आपको खिलौने तो खेलते रहेंगे आप बैठ के आलिंगन करते हुए किस करते हुए खिलौना से? अरे तो खिलौना है, इसको क्या पकड़ का है। तो जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति बढ़ेगी और बाद बढ़ेगा, माने दिस काइंड, बाद माने डिस्ट्रॉइंग, नॉट रिमेंबरिंग, नॉट रिकॉलिंग, नॉट कीपिंग द इन स्टोर द एक्सपीरियंसेस विच आर इररिलेवेंट फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। ब्यूटीफुल, देखिए नेक्स्ट क्षण प्रति अगले क्षण क्षण ये अनुभव बेकार है। नथिंग टू रिमेंबर, वर्थ रिमेंबर। अब कहीं पे 10 साल पहले एक दाबा में एक परौठा खाए, अब इसका रुस्टेस अब याद है क्या आपको? वो कहाँ कहाँ खाए होंगे पता नहीं, क्या क्या खाए पता नहीं, कितने कितने खाए पता नहीं, कैसी टेस्ट रही उन सब की पता नहीं। अब जहां वासना दृढ़ हो गई वहीं जाना चाहते हैं आप। यहां पे पराठा अच्छा मिलते हैं, यहां पे इडली मिलती है, यहां पे दोसा। देखिए तन्मयता हो गए। सो तन्मयता को छोड़ देते हैं ज्ञानी, जैसे कि मैंने फिल्म एग्जांपल दिया है ना, फ्रेम। उस फ्रेम व्यवहार काल, उस व्यवहार काल में जैसा करना है वैसा करता है, व्यवहार चलेगा उस क्षण में, दैट मोमेंट में। देखिए फ्रेम है, एक काल है, एक अनुभव है, एक कुछ है, घटना है, ये मैं हूं। तो उस व्यवहार काल है एग्जैक्ट मिलते समय 180 डिग्री जब जो बनेगा लाइन, स्ट्रेट लाइन जो बनता है ना, 180 डिग्री, दैट मोमेंट ओनली व्यवहार काल। व्यवहार काल में जैसे व्यवहार करना है करता हूं, छोड़ दिया, क्योंकि अगला क्षण में दूसरा फ्रेम आ गया और उसके साथ जैसे व्यवहार करना है करता हूं। यह है प्रतिबुद्ध व्यक्ति का लक्षण। तत्ववित्त महाबाहो गुणकर्म विभागयो हो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। व्यवहार काल में अपने वासना के अनुसार या गुण के अनुसार, जैसे अनुभव के अनुसार, जो भी जैसे है, जैसे करना है करेगा, बस उसी क्षण में, बाद में नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। इसी तरह स्वप्न का अनुभव भी ज्यादा विश्लेषण करते हुए नहीं बैठना चाहिए आपको, आदमी को। दैट इज अ ब्यूटी। सो प्रतिबुद्ध को माने दोनों तरफ से लेना चाहिए, माने स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में जो पहुंच गया वो भी प्रतिबुद्ध है, और जागृत अवस्था से वो वहां पे पहुंच गया माने उस स्थिति पर तुरीयावस्था में सहज स्थिति का अनुभव जो कर रहा है तो वो भी प्रतिबुद्ध है, क्योंकि ये भी स्वप्न है। तो प्रतिबुद्ध का दोनों तरह से आप लेने से मजा आएगा। तथा असत स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धः न पश्यति अविकल्पयन्। अभी इसको कल्पना करना छोड़ देते हैं, कल्पना करना छोड़ दो। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट कैन कम ओनली टू दोज हु मेक अपॉइंटमेंट विथ फ्यूचर। गुरुदेव वाह, एवरी मोमेंट देयर इज एक्सपेक्टेशन। सपोज इफ आई डोंट कम टू क्लास, यू ऑल केम हियर एट 7:30 thinking that I will come. That day, for example, I didn't come out of the room. Or I said that I will come late. Or I said, I am not in a mood to take class. Example. You will not accept my condition. Itna nahi lena to pehle SMS kar dete.
और जिस दिन मैं SMS करता हूँ, हाँ उस दिन आप देखते नहीं। कितने बार हो चुका है ऐसा? देखिए, मैंने एक छोटी चीज है ना, अब मैं ऐसे अपेक्षा करके इधर बैठा हूं, समझो अब मेरी स्थिति कैसी रहेगी भाई, पागल हो जाऊंगा। आज कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, अरे आया राम गया राम, मैं मस्ती में रहता हूं 7:30 से 8:30 तक, ये मेरे साथ ना है, सुने या ना सुने, आए ना आए, ये कौन हिसाब रखेगा ये सब, कौन कितने बजे प्रवेश किया, कौन कितने बजे चला गया, कौन कितने क्लास आया। जैसे अपेक्षा, छोटी सी अपेक्षा रखे वहां दुख है, मगर प्रतिबुद्ध व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता। देखिए, इसीलिए आचार्य जी कहते च शब्दात, च माने यहां पे देखिए, असत जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत स्वप्ने भी दृष्ट्वा च, है ना, श्लोक में दूसरी पंक्ति में तो श शब्द का माने एंड, च एंड, एंड शब्द का क्या मतलब है, भाव है, अर्थ है, बताते आचार्य जी, च शब्दात तथा जागरते अपि दृष्ट्वा स्वप्ने न पश्यति कदाचित इत्यर्थः, माने फ्रॉम द यूज ऑफ दिस समटाइम्स, कदाचित, ये बात ऐसी नहीं कि हर चीज, जो जो वस्तु देखे जागृत अवस्था में सब वस्तुओं का दर्शन अनुभव स्वप्न में होना, यस, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, इसलिए च शब्द का प्रयोग किया गया। च शब्दात तथा जागृते अपि दृष्ट्वा, जागृत अवस्था में भी देखने के बाद भी स्वप्ने न पश्यति, देखिए कदाचित समटाइम्स, ये जरूरी नहीं हम जो जो देखते हैं वही सारे चीज स्वप्न में देखना है। अब उल्टा मत समझो कि स्वप्न में नहीं देखा इसका मतलब ठीक से अनुभव नहीं किया, फंस जाएंगे हम। तो दृष्ट्वा स्वप्ने च, मैंने च शब्दात तथा जागृते अपि दृष्ट्वा स्वप्ने न पश्यति कदाचित इत्यर्थः, तस्मात देयरफॉर जागरितम स्वप्न हेतु उच्यते, देयरफॉर इस तरह से साधारण भाषा परिभाषा में जागृत अवस्था इज अ कॉज फॉर द ड्रीम स्टेट, हम इस तरह से वासनाओं के तन्मयता के आधार पर हमने कह दिया। ऐसा ये बात, ये ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था इज अ कॉज फॉर द स्वप्न अवस्था, ऐसे नहीं, ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। न तो परमार्थ सद इति उच्यते इति कृत्वा, माने इट डजंट मीन दैट वेकिंग स्टेट इज रियल। हमने जब कहा कि वेकिंग स्टेट का तन्मयता, जागृत अवस्था में जो तन्मयता होती है, इमोशनल अटैचमेंट, वासनास क्रिएशन क्रिएटेड एंड द क्रिएशन ऑफ वासनास इन द वेकिंग प्लेन वाइल एक्सपीरियंसिंग द वेकिंग ऑब्जेक्ट्स बिकम द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, दैट इज अ ब्यूटी। तो उच्चते न परमार्थ सद, इट डजंट मीन वेकिंग स्टेट इज रियल, वी आर नॉट सेइंग दैट वेकिंग स्टेट इज रियल, क्योंकि हमारे हिसाब से न वेकिंग स्टेट सच है न ड्रीम स्टेट सच है, क्यों, दोनों अज है वास्तव में। मगर परमार्थतः तो न कस्यचित केनचित अपि प्रकारेण कार्य कारण भाव उत्पद्यते, तो इन रियलिटी व्हाट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हाउएवर इट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। देखिए कस्यचित केनचित अपि प्रकारेण बिटवीन एनीथिंग इन एनी वे बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज इम्पॉसिबल टू एस्टैब्लिश इन एनी वे बिटवीन एनीथिंग। अब देखिए, अब बताते हैं अगले श्लोक में, हम कल देखेंगे कि आप सुनाते हैं कि देखिए चार ऑप्शंस है कि जितने भी ऑप्शंस है कॉज ऑफ एंड इफेक्ट संबंध कार्य कारण भाव में जो जो जितने ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस लेकर के बताते हैं कि कार्य कारण संबंध होना असंभव, कार्य कारण संबंध करके है ही नहीं, नॉट ओनली बिटवीन वेकिंग एंड ड्रीम, बिटवीन एनीथिंग इट विद एनी टाइम एट एनी टाइम। सृष्टि में कार्य कारण संबंध
ये इट्स ए बिगेस्ट लाई। देखिए चार ऑप्शंस ले लेते हैं, सत से असत, सत से सत, या असत से सत, असत से सत, चारों गलत है। ये कल बता देते हैं, विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।